तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, आपको तो पता होगा कि रेसलमेनिया 36 में हमें रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आज की वीडियो में बात करें क्या ये मैच कैंसिल हो चुकी है और अब क्या ब्रॉक लेसनर WWE को छोड़ के चले जाएंगे और डॉल्फ ज़िगलर ने कैसे अपने न्यू रिंग गियर दिखाया है। तो सारी कुछ बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है डॉल्फ ज़िगलर से। जैसा कि फ्रेंड्स आप मान लो कि डॉल्फ ज़िगलर तो स्मैकडाउन में है और उनकी हमें राइवलरी देखने को मिल रही है ओटिस के साथ, लेकिन फ्रेंड्स अभी उन्होंने रिसेंटली एक ट्विटर पर ट्वीट किया अपने न्यू रिंग गियर का, जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि हमें रेसलमेनिया 36 में ओटिस वर्सेज डॉल्फ ज़िगलर का मैच देखने को मिल सकता है और वही रिंग गियर वो पहन के आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि रेसलमेनिया 36 में हमें रोमन रेंज वर्सेज बिल गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिलेगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैच के रिगार्डिंग एक बहुत बुरी खबर आई है, यानी कि इस मैच में रोमन रेंज कंप्लीट नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, सोर्सेज ये बताते हैं कि इस मैच में रोमन रेंज कंप्लीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको तो मालूम हो कि अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस उन लोगों पे ज़्यादा अटैक करते हैं जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहते हैं और रोमन रेंज के तो वो लक्षण है ही, क्योंकि उनको इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और जिसको भी कैंसर हुआ रहता है उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और कोरोना वायरस तो उस पर पहले ही से अटैक करता है। तो WWE नहीं चाह रही है कि उनके हेल्थ के साथ कुछ भी रिस्क ले। तो मे भी हो सकता है कि ये मैच हमें कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ आई है कि WWE कैंसिल कर सकती है मैच को। और अभी से कुछ घंटे पहले ओरलैंडो फ्लोरिडा में रोमन रेंज अवेलेबल थे कि उनका मैच के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ आती है, लेकिन फ्रेंड्स अभी ये न्यूज़ निकल के आई है कि रोमन रेंज कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और उनके जगह पे कोई और बंदा को स्पॉट दिया जाएगा। मे भी चांसेस हैं कि रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हमें देखने को ना मिले। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है ब्रॉक लेसनर से। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम कि अभी से कुछ साल पहले हमें ब्रॉक लेसनर का डेब्यू या रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स अभी उस रिटर्न के रिगार्डिंग एक बात निकाल के आई है कि मतलब ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते थे कि वो WWE में आए, लेकिन फ्रेंड्स WWE ने कोर्ट वोट का फंडा अपनाया और मतलब ले आए। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम कि अभी जो करंट सिचुएशन रिवाइवल के साथ चल रही है, रिवाइवल बोल रहे हैं कि वो WWE छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन WWE नहीं चाह रही है कि उनको छोड़ के जाए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ ऐसा ही निकल के आई है। और ब्रॉक लेसनर चाहते थे कि वो NJPW यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर काम करे, लेकिन WWE नहीं चाहते थे कि वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाए और कोर्ट वोट का पीछे मामला आ जाता है और उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर 7 सालों के लिए WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हैं। तो मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर WWE को छोड़ के चले जाएँ और उसके बाद होगा क्या, हमें ब्रॉक लेसनर का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा WWE में।